तो ये मैडम संस्था की तरफ से है, रेडियो टू डोनेट की तरफ से जितना हो सका मदद किए हैं आप लोग को, और इसको स्वीकार कीजिए। सबसे पहले सीके टीवी और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और रेडियो टू डोनेट टीम को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए ये काम किए, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मेरे पास थैंक्स कहने के लिए जो वर्ड है ये बहुत छोटा पड़ जाएगा, तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ आपको कि आपने हमारे लिए इतना सोचा, हमारे बच्चे के लिए इतना सोचा। सर मैं उनके लिए क्या कह सकती हूँ, मेरे पास उनके लिए बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। एक तो वो सर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स होकर स्टूडेंट्स खुद चाहते हैं कि हमें कहीं से कुछ मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सर आप जो कह रहे हैं 30 रुपये 20 रुपये, सर उसी पैसे के बदौलत आज हम 3.5 करोड़ से ज़्यादा पहुँच चुके हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं आयांश के पास हूँ, और आयांश के माँ भी यहाँ पर मौजूद है, आयांश भी मौजूद है, और अभी यहाँ इससे मिलने, आयांश से मिलने मानवाधिकार के बिहार स्टेट के चेयरमैन आए हैं, और अभी इनके पिताजी आईसीयू में भर्ती हैं, फिर भी अपने पिताजी को छोड़ करके और आयांश के लिए आवाज़ उठाने आयांश के पास आए हैं। सर आप आयांश के लिए क्या क्या कदम उठाने वाले हैं इसको मदद के लिए? देखिए, आयांश के लिए सबसे बड़ी बात है कि आयांश का जो मामला है वो बहुत ही गंभीर मामला है, इसलिए कि ये जो मामला आता है लगभग लाख लोग में, हज़ार से लाख लोग में एक मैटर आता है, और इसको बोलते हैं मस्कुलर डिजीज। इसमें क्या होता है कि मांसपेशी जो है वो डेवलप नहीं करता है, और इसके लिए मात्र एक इसका निदान है, सिर्फ 21 करोड़ का सुई है, 16 करोड़, हाँ नहीं नहीं 21 करोड़ का वो इंजेक्शन है, और उसमें हमारे भारत सरकार ने सब्सिडी दी हुई है, और वो सब्सिडी छोड़ के वो 16 करोड़ रुपए में जी। वो सुई अमेरिका से एक नोवेल्टीज कंपनी है वही बनाती है, और वो कंपनी जो है इसको प्रोवाइड करेगी पैसा देने के बाद। तो इसमें मैं विशेष रूप से आया हूँ कि हमारी संस्था के द्वारा इसमें बहुत सारे मुहिम छेड़े जाएंगे, और हमारे संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं अपने अपने द्वारा मुहिम इसमें छेड़ेंगे, और आज से कल से इसका काम चालू हो जाएगा। और मैं विशेष रूप से इसमें अपील करने आया हूँ कि जितने भी हमारे माननीय सांसद हैं बिहार के, माननीय विधायक हैं, माननीय मंत्री हैं, इसमें आगे उनको भी आना चाहिए, अपना एक पोस्ट। आगे आने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ अपना दिन भर के 10 पोस्ट में से एक पोस्ट आयांश के अपील के लिए, कि आयांश को आप सभी लोग पैसा दें, और उनके अकाउंट में पैसा 10, 20, 50, 100, 1000 जो जितने अपने सामर्थ्य के हिसाब से हैं वो उसमें भेजें। तो मैं उन जनप्रतिनिधियों से मैं अपील करना चाहता हूं, और बाकी जितने भी बिहार के सम्मानित लोग हैं, जनता हैं, जिनकी मैं सेवा निस्वार्थ रूप से सदैव करते रहता हूँ, लाखों लोगों की सेवा मैं अभी 2 साल से लगातार अभी मानवाधिकार के रूप में कर रहा हूं, तो उनसे भी मेरा विशेष आग्रह है कि अपने अपने द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से आप पोस्ट करें, और आयांश को, जैसे आयांश के अकाउंट में अभी लगभग 15 दिन से 20 दिन के करीब में लगभग 3.60 करोड़ रुपए आज तक आ चुके हैं, और भी प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। मैं आयांश के पिताजी से अभी मिला, अभी माता जी हैं, आयांश बेटा भी आयांश को दिखाया जाए जी, थोड़ा आयांश को दिखा दीजिए, और इनकी माँ भी हैं। अब लगता है कि आयांश की इंजेक्शन जो है जल्दी आ जाएगा, क्योंकि मानवाधिकार के भी पूरी टीम जोर शोर से लग गई है, और इनका चेयरमैन जो है वो भी आ चुके हैं यहाँ पर, और आयांश की माँ है, माँ से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते सर, सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ सर को कि इन्होंने अपना जो सिचुएशन बताया कि ये अपने फादर को छोड़कर हमारे यहाँ आए, जो कि 55 दिन से आईसीयू में है, उनको छोड़कर ये हमारे बेटे के लिए आए, हमारे बच्चे के लिए आए, तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ सर को। और मैं बस यही बात कहना चाहती हूँ कि जैसे आम जनता सामने आ रही है, वैसे ही जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या स्वास्थ्य मंत्री जी, आप आकर बस थोड़ी थोड़ी हमारी मदद करें, जैसे सब लोग एकजुट हो गए हैं, वैसे आप भी थोड़ी कदम बढ़ाएं, ताकि
ताकि हमारा जो टाइम है उस टाइम तक हम पहुँच कर अपने बच्चे को इंजेक्शन दिलवा पाए, क्योंकि सर इसके पास टाइम बहुत कम है। ये 10 महीना उस गुजार चुका है और इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैक्सिमम 18 से 24 महीने होती है, तो सर हमारे पास उस हिसाब से तो काफ़ी कम समय है। और डे बाय डे सर ये डिज़ीज़ प्रोग्रेसिव है, इस डिज़ीज़ में सर ये बच्चा हर रोज़ पीछे जा रहा है, तो इसके पास सर समय काफ़ी कम है। मैं भी चाहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द जितना हो सके आप लोग मदद, और अभी हमारी संस्था रेडी टू डोनेट एक संस्था है जो लोगों को मदद करता है, जो भी बीमारी से ग्रसित होते हैं, ब्लड के रिलेटेड हो या कोई भी बीमारी से रिलेटेड, उनको मदद करते हैं, वो भी निशुल्क बिना पैसा लिए हुए, और उनको मदद किया जाता है। तो रेडी टू डोनेट टीम ने सड़कों पर खड़ा होकर के लोगों से मदद मांगा था और कुछ फंड इकट्ठा किए हैं, वो मैं चाहता हूँ कि आयांश के माता जी को दूँ। लाइए, कहाँ है? तो ये मैडम संस्था की तरफ से है, रेडियो टू डोनेट की तरफ से जितना हो सका है मदद किए हैं आप लोग को, और इसको स्वीकार कीजिए। सबसे पहले सीके टीवी और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और रेडी टू डोनेट टीम को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए ये काम किए, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मेरे पास थैंक्स कहने के लिए जो वर्ड है ये बहुत छोटा पड़ जाएगा, तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ आपको कि आपने हमारे लिए इतना सोचा, हमारे बच्चे के लिए इतना सोचा। आगे इतना इस चीज़ को देखकर सर हो सकता है कि जो हमारे बिहार के जो नेता लोग हैं वो लोग बढ़ चढ़कर सामने आए और हमारे बच्चे को बचाने में हमारी मदद करें। इतना ही नहीं, हमारी जो संस्था के मेंबर हैं अभी भी आरा हो गया, बलिया हो गया और बक्सर हो गया, इन सब जगहों पर कैंपेन कर रहा है और जगह जगह पब्लिक प्लेस पर पोस्टर लगा करके लोगों से मदद मांग रहा है। फ़ोन पे भी नंबर दिया गया है, और हो सके तो मैं अगले बार भी आपको डोनेट लेकर के आ सकता हूँ अगर जो आएगा फंड, तो इसके लिए जो भी आएगा मैम आप स्वीकार कीजिएगा। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ आए हैं, मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं उनके लिए क्या कह सकती हूँ, मेरे पास उनके लिए बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। एक तो वो सर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स होकर स्टूडेंट्स खुद चाहते हैं कि हमें कहीं से कुछ मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, और वो लोग उस पैसे में से बचा कर हमारे लिए आप लोग लेकर आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। तो मैं उनकी सदा आभारी बनी रहूँगी, क्योंकि वो हमारे लिए इतना सोच रहे हैं सर। मैं उसको भी धन्यवाद करूँगा जो 30 रुपये और 20 रुपये पेमेंट कर रहे हैं और मुझे बताया था कि मैं 30 रुपया पेमेंट किया हूँ। धन्यवाद आप सबको। और मैं इस सर एक बात कहना चाहती हूँ, सर आप जो कह रहे हैं 30 रुपये 20 रुपये, सर उसी पैसे के बदौलत आज हम 3.5 करोड़ से ज़्यादा पहुँच चुके हैं जी, उसी पैसे की वजह से सर। धन्यवाद है आप सब लोग का, मैम की तरफ से भी धन्यवाद है। आयांश की मदद करने के लिए मानवाधिकार संस्था अब एकजुट हो चुका है और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं बातों के यहीं पर समाप्त करता हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाए और ज़्यादा लोग आयांश को मदद कर सके।